तो हम बात कर रहे हैं डैशबोर्ड विद पैथन प्रोग्रामिंग। पैथन प्रोग्रामिंग की मदद से हम एक डैशबोर्ड आपके साथ डिस्कस करेंगे। डेटा विजुलाइजेशन का जो टूल्स है उसका इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से यूज की जाती है उसके बारे में डिस्कस आपके साथ हम करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि हम यूज कर रहे हैं इसमें, तो हमने डैशबोर्ड लेते हैं, एक सपोर्ट सीट लेते हैं क्योंकि हमें कई बार डैशबोर्ड में सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। देन यहां पे हम डैशबोर्ड प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक हेडिंग ले लेते हैं, जो हमारा हेडिंग है यहाँ पे। ये सब चीजें तो पैथन से मैनुअली बनाना पड़ेगा, पैथन की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। सबसे पहले तो एक एरिया लेते हैं, उसको हम ग्रे कर देते हैं, इसकी बैकग्राउंड हम ग्रे कर देते हैं। और फिर हम एक रो एक कॉलम छोड़ते हैं और यहां पे अपना रिपोर्ट बनाना शुरू करते हैं। मर्ज करते हैं, यहां पे लिखते हैं आईपीटी, सॉरी यहां पे सेल्स रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट 2024। और इसको यहां पे हम साइड, इसकी बैकग्राउंड को करते हैं वाइट और इसको साइड में करते हैं और इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसका अपना लोगो वगैरह भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। कॉपी यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, और इसकी कलर यहाँ पे ये जो है इसकी उठाते हैं और इसकी कलर को हम यहाँ से वाइट नहीं, हाँ वाइट ही कर देते हैं, वाइट नहीं करते इसको, हल्का और कलर करते हैं, हल्का वाटर है ना इसलिए इसको छोटा करते हैं। अब यहाँ मुझे अपना जो डेटा है इस डेटा को मुझे यहाँ पे शो करना है बट फिल्टर्ड डेटा। अब जैसे कि ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे कुछ ईयरली रिपोर्ट चाहिए, ठीक है, जैसे या फिर ईयर वाइज कुछ रिपोर्ट चाहिए, या ईयर छोड़िए मैं एक काम करता हूँ कि मुझे ये 2024 के एक ही मंथ का रिपोर्ट है और ये हमारा शिपिंग डायरेक्शन है, ये जो हमारे शिपिंग के तीन चार जो है मेरे ये है कि हम चारों के हिसाब से रिपोर्ट को देखना चाहते हैं। तो डेवलपर के अंदर में हमारे पास ये होता है लिस्ट बॉक्स। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो फ्रेम लेते हैं और फ्रेम के अंदर इसको रखते हैं और इसमें करते हैं शिपिंग कंपनी, चाहे शिप बाय, ठीक है। और इसके अंदर हम अब इसकी फॉर्मेटिंग को मैं चाहता हूं ब्लैक ही, फिलहाल ब्लैक रखता हूं। और यहां से हम अपना रेडियो बटन लेते हैं, रेडियो बटन में हम यहां पे सेलेक्ट करते हैं ई टी यू ई एक्स, ठीक है। और इसको हम राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे आते हैं और इसको कर देते हैं थ्री सेलिंग। सेल लिंक में हम यहाँ पे कॉर्नर पे एक लेंथ ले देते हैं, इसको बाद में इसकी हटा दूंगा मैं, ठीक है, फिलहाल रखता हूँ लेकिन बाद में इसको हटा दूंगा। और इसकी 3D सेटिंग नहीं की तो फॉर्मेट कंट्रोल में आके हम यहाँ पे 3D सेटिंग का है। हाँ, अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, यहाँ आ जाता है अमेजोन, अमेजोन
यहाँ पे इसको रखते हैं, अमेजोन के बाद यहाँ पे हम रखते हैं डीटी डीसी। कितने थे सपोर्ट में आके देखते हैं इसमें, एसपीवी स्पीड पोस्ट इसको यहाँ रखते हैं और यहाँ पे एसपी, ठीक है। और इसको हम सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल दबा के, और यहाँ सेव फॉर्मेट में अलाइन में हम इसको टॉप में अलाइन कर देते हैं ताकि सब एक सीध में आ जाए। ये जो इतना बड़ा हो गया है ये इसको छोटा कर, ठीक है। अब जिस पे मैं क्लिक करूंगा उसके हिसाब से ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, क्लियर है। सपोर्ट सीट में हम आते हैं, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले सपोर्ट शीट में आता हूँ और यहीं पे देख, यहाँ पे इक्वल करता हूँ यहाँ पे, हाँ इक्वल, एक कॉलम छोड़ देता हूँ, इक्वल पी वाई पाई। पाई में सबसे पहले हम यहाँ पे इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे डी टी इक्वल टू, और हम अपने डेटा को सिलेक्ट करते हैं, जो डेटा है अपना इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं डी एफ इक्वल टू पी डी डॉट डेटा, डेटा का डी बड़ा होगा, डेटा फ्रेम फ्रेम, और इसके अंदर हम दे देते हैं अपना डी टी, ये डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। कितना टाइप करने लग रहा है, उनके डेटा फ्रेम ई होगा, ठीक है। अभी फिलहाल डेटा नहीं ला रहा हूं, तो इसमें मैं इफ कंडीशन लगा रहा हूं, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि हमें ये चाहिए, लुकअप चाहिए ना इसमें, ये जो हमारा डेटा रिंग है ये, मैं एक बार मैं इसको कॉपी करता हूँ, जो हमारा एडीएक्स है, कि हमें फिल्टर यहाँ पे फिल्टर चाहिए था ना हमें, इसको एक बार हम फिलहाल इसको करते हैं डेटा में, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा नहीं चाहता चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे यूनिक लिस्ट चाहिए, ताकि मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे यूनिक लिस्ट मान लीजिए यहाँ पे चाहिए, एक तरह से हमें यहाँ पे डेटा फ्रेम आ गया, अब यहाँ पे मुझे चाहिए यूनिक लिस्ट, कौन सा किसका, तो यूनिक लिस्ट चाहिए मुझे, तो यहां पे मैं लेता हूं यू इक्वल टू
यूनिट लिस्ट यहाँ पे हम लिखेंगे df और कॉलम नेम। तो आई थिंक ये हमारा कॉलम का नेम एक बार देना पड़ेगा पूरा। एक भी कॉलम का नेम हमारा एक कौन सा है इसमें, ये दिक्कत होता है ना इसका सर, क्या बोलते हैं बड़े छोटे का फर्क होता है। तो u इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे df और इसमें हम अपना कॉलम का नेम देंगे और यहाँ पे डॉट यूनिक unique यूनिक ब्रैकेट ओपन क्लोज। अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये एक मिनट, यहाँ पे अगर एक्सेल वैल्यू करता हूँ तो आप देखेंगे कि सारे यूनिक लिस्ट आपके यहाँ, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं edx amazon sep sp dtc और express इस फॉर्मेट में, राइट। इस तरह से यूनिकली, लेकिन मुझे यहाँ को क्या sp वाला वहाँ पे डैशबोर्ड में ऐड करना पड़ेगा शायद, नहीं है सारी ऐड किए है या नहीं तो कौन सा और है amazon sp express नहीं है यहाँ पे, एक्सप्रेस नहीं। एक्सप्रेस, ठीक है। अब सपोर्ट शीट में, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, मैं बस बताया कि इंग्लिश करते लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं। अब मुझे यहां पे इफ कंडीशन देने हैं कि यहां पे मैं लिखता हूं डी इक्वल टू, फिलहाल तो वन कर देता हूं और यहां पे देता हूं कि इफ डी इज इक्वल टू डबल इक्वल होगा वन, तो यहां पे टाइप दीजिए सिप एस करता हूं, एस इक्वल टू हमने ले लिया। एक मैं पहले ये चीज मैं यहां लिख लेता हूं, सही रहेगा क्योंकि तो इसके अकॉर्डिंग चाहिए ना मैं, तो हम दे करते हैं इफ डी इक्वल टू वन तो एस इक्वल टू मंचो, तो उल्टा कर दिया ना मैंने यहाँ पे सी एस पी वन नीचे ना ये है यहाँ ईडीएक्स, तो इसका नंबर मैं लिख लेता हूँ, ए वन पे है, ए टू पे है, राइट, और एस पी जो है डी टी सी तीन पे है, तीन पे एक्सप्रेस पांच पे है, चार पे है। हाँ हाँ, क्योंकि यदि इस पे क्लिक करें हमारे में टू आएगा, यहाँ थ्री आएगा, यहाँ फोर आएगा, यहाँ फाइव आएगा ना, इसलिए ठीक है। हाँ अब चलिए, अब यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे देते हैं d इक्वल क्या सर, वन डबल हो गया वहाँ एस पी फोर है ना, एस पी और ईडीएक्स, हाँ एस पी फोर है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे d इक्वल टू
बी इक्वल टू वन लिखते हैं और कंडीशन देते हैं कि इफ 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 में हमने बोला कि अगर डी इक्वल टू वन है, अभी वन को मैं ऑटोमेट कर दूंगा, तो एस इक्वल टू हमने ब्रैकेट में क्या दिया ई डी एक्स, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या लगाना है एल एफ, एल एफ, ठीक है। डी इज डबल इक्वल टू टू हुआ तो हमें एस इक्वल टू क्या करना है अमाजो, बिल्कुल सेम केस में, वरना फिर फिल्टर में मैच नहीं करेगा, ठीक है। अमा जॉन, बस ये एक छोटी सी दिक्कत यही है। फिर एल एफ डी इक्वल टू थ्री, तो एस इक्वल टू डी टी डी सी, ठीक है। फिर यहां पे एल एफ डी, इसमें डबल इक्वल होता है फोर, तो क्या होने लगा यहां पे करते हैं एस इक्वल टू एस पी, फिर एल एफ डी इक्वल टू फाइव, तो एस इक्वल टू क्या होगा एक्सप्रेस, ठीक है। ओके अब यहां पे मैं कंट्रोल एंटर, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ छूटा हुआ है इसमें लग रहा है, कुछ हमने कोड वोड छोड़ दिया, ऐसे यहाँ पे डबल सिंगल कोड था ना, डबल कोड लगा दिया, हाँ यहाँ सही है, ठीक है। एरर नहीं आना चाहिए, नम एरर नहीं है ना, ना क्योंकि कभी कुछ किया नहीं हमने, इस डी इक्वल टू वन है ना, ठीक है ना। अब इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे इस पे जाके इस, ठीक है ना, ना अभी ओके। अब यहां पे मैं नीचे एक बार एफ इक्वल टू एस कर देते हैं ताकि शो करेगा यहाँ पे डेटा या एडिक्स आ रहा है, तो जो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे वो आएगा, आ रहा है सर डीटीजी से वो किया, तो यहाँ देखिए सपोर्ट में डीटीजी से आया, इफ हमारा काम कर रहा है, ठीक है। अब मुझे इफ नहीं चाहिए, मुझे इफ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए, क्या चाहिए डेटा, डेटा चाहिए, इस तरह से बड़ा करता हूं, इसको एफ एल एस हटा देता हूं, तो यहां पे हम डी 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 हमारा फाइनल डेटा है, फाइनल डेटा में एफ डी कर देता हूँ, एफ डी मतलब फाइनल डेटा इक्वल टू डी एफ, और डी एफ के अंदर हमने एक बार और डी एफ लिखा और इसके अंदर अपना कॉलम नेम लिखा, जिस कॉलम नेम में हमें लगाना है फिल्टर लगाना है, तो हमें लगाना है फिल्टर यहाँ, इसलिए यूनिक इसलिए लिए थे ना कि हम देख सकेंगे यहाँ पे लिस्ट डी एफ, सॉरी ये डी एफ तीन बार हो गया, दो ही बार देना था हमें डी एफ, ठीक है। एक ब्रैकेट क्लोज करना है, एक तो क्लोज कर दिया ना यहाँ पे इच इन ब्रैकेट
और यहाँ पे वैल्यू के अंदर में डाल देते हैं, हमको चाहिए एस। बाइक क्लोज एंड इसको क्लोज कर दिया। ये जी नहीं होगा आई थिंक, तो क्या रहता। ठीक है, तो यहाँ पे फिल्टर लगाने का क्या है कि अब यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं डीएफ इज इन में एस कर दिया कि भाई मुझे शिफ्ट वाई में एस होना चाहिए। अब इसी में अगर चाहिए था कोमा कोमा करके आगे एक दो और लगा सकते हैं एंड और लगा सकते हैं। तो डेटा हमारा आपके सामने आ गया। तो अब इसमें फायदा क्या है ना कि हमें कोडिंग एक जगह पे करनी है, हमने कोडिंग क्या किया है एक जगह पे किया है, समझे। लेकिन अब यहाँ पे अब बाकी जगहों पे जस्ट मुझे क्या करने हैं डेटा अप्लाई करने हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज और मैं करना चाहता हूँ कि मुझे जो डेटा वहां दिख रहा है ना मुझे यहाँ पे चाहिए, जो डेटा यहाँ आपको दिख रहा है। अरे पूरा डेटा कैसे आए, पूरा डेटा आने में दिक्कत है ना सर क्या। तो मैंने क्या किया कि अब मैं अपने डेटा को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। कितने कॉलम है डेटा में हमारा एक बार देखते हैं, तो एक से लेके 12 कॉलम है। ठीक है, तो डेटाबेसेस में आते हैं यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह 12। ठीक है, यहाँ से एक छोड़ देते हैं। ज्यादा डेटा हो कोई बात नहीं, 12 कॉलम चाहिए तो चाहिए। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, तीन पूरा डेटा मुझे यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ कुछ कुछ कॉलम का डेटा चाहिए। शिपिंग स्टेटस वगैरह सिलेक्टर कॉलम आया है इससे, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो हम शिफ्ट वाई यहाँ पे ये है ना हमारा पीडीएफ है, डेटा फ्रेम है ना, तो इस डीएफ को हम कर देते हैं डीडी। ठीक है, और यहाँ पे अगेन करता है डी 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 डीएफ इक्वल। ठीक है, डीएफ इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे डीडी, और डीडी के अंदर हम दो बार रखेंगे ये देंगे। अब यहाँ पे सारे कॉलम जो जो चाहिए वो डाल देते हैं। तो सबसे पहले चाहिए यहाँ पे आईडी चाहिए, तो यहाँ में आईडी डाल दी। ठीक है, उसके बाद हमें इसमें चाहिए कॉमा दीजिए, इस वजह से कॉलम का ये नहीं देना है, एक ही कलर कॉलम ही देना है कॉमा। अब एक काम करते हैं, बार बार लिखना पड़ेगा ना हमें, तो हम टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला लगा के ले लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट ज्वाइन कॉमा और ट्रू, और यहाँ पे मुझे आईडी चाहिए, आईडी आईडी और डेट दोनों चाहिए, इसको ले लिया।
वैरी डेट प्रोडक्ट तीनों चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, और एमआरपी नहीं चाहिए मुझे, अमाउंट चाहिए, शिप्ड बाय नहीं चाहिए, शिपिंग स्टेटस चाहिए एंड सिटी चाहिए, ठीक है ना, बस इतना ही चाहिए। तो ये आ गया फॉर्मूला, कॉपी करके हम इस पे कर देते हैं वैल्यू पेस्ट, पेस्ट वैल्यू। अब यहां से उठा लेते हैं प्रोडक्ट, इसको उठा लेते हैं। अब इसके अंदर आते हैं, अब यहाँ पे हमने डीएफ है, डीएफ को हटाते हैं, इसको करते हैं डीडी, और फिर यहाँ पे डीएफ इक्वल टू डीडी, और हम यहाँ पे सारे लिख देते हैं। अब इसको हमें सिंगल कोड में देना होगा, सिंपल से डेसिमल मार्क में देना होगा, एक चीज छूट गया सर, शिफ्ट बाई अगर नहीं दोगे तो फिर शिफ्ट बाई पे फिल्टर कैसे लगेगा क्या? हाँ शिफ्ट बाई अगर नहीं देंगे तो शिफ्ट बाई पे फिल्टर कैसे लगेगा? तो यहाँ पे मुझे देना है कॉमा, सेम स्पेलिंग में शिफ्ट बाय, ठीक है, मैं कंट्रोल एंटर मारता हूं, हेलो शिपिंग स्टेटस नॉट इन इंडेक्स, शिपिंग स्टेटस स्पेस नहीं लिया गया, उसका कॉमा नहीं रह गया, ये इकट्ठा एक ही है, इकट्ठा आ गया अब, आ गया। चलिए अब मुझे इस डेटा को जो है ये आया, अब इस डेटा को डैशबोर्ड पे शो करना, ठीक है। कितने कॉलम्स हम लेके आए हैं एक बार देख लेते हैं, हम कॉलम्स लेके आए हैं आठ, तो यहाँ पे आठ कॉलम लेके चलते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ठीक है। और इसकी जो हेडिंग है ना सर, वो हेडिंग यहाँ पर रख देते हैं कॉपी करके, मैनुअल रख देते हैं यहाँ पे हेडिंग, पेस्ट एज ए वैल्यू, और यहाँ नीचे तक आते हैं, तो हमने एक जगह पे मेहनत किया ना, आप देखिए बाकी सब जगहों पे हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, कहाँ गया डेवलपर, यहाँ आते हैं और हम यहाँ से स्क्रॉल बार लेते हैं, ठीक है, उसकी फॉर्मेटिंग में जाके कलर हटाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रे ग्रे हो गया ना, जिस कारण से इसमें कलर नहीं हटा सकते, ऐसा कलर का कोई ऑप्शन नहीं है, कलर का ऑप्शन नहीं है ऐसा, इसमें सेव फॉर्मेट में नहीं, सेव फॉर्मेट में भी कोई कलर का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे सेव फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, कर सकते हैं बट फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, चलिए कोई बात नहीं, इसको लेके नीचे ऊपर नीचे तक करना है, और इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल में जाते हैं, और फॉर्मेट कंट्रोल में आके हम यहाँ पे मिनिमम वन, मैक्सिमम में मान लीजिए मैं यहाँ पे 200 कर देता हूँ, या फिर हटा दूंगा वहाँ से, और यहाँ हम सेल लिंक यहाँ पे लिख देते हैं, तो यह आ जाएगा वन आ जाएगा। अब यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल ऑफसेट, ऑफसेट में हम यहाँ आएंगे सपोर्ट शीट में,
इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, ये जो मेन नीचे जो हमने डैशबोर्ड पे वन दिया है उसको वन लेंगे, और कॉमा जीरो देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आईडी नंबर वन आ गया, ये आईडी नंबर फोर आ गया। अच्छा हाँ यार फोर से थोड़ा है। अब इस पे मैं क्या कर रहा हूं कि इसको कर देता हूं फ्रीज, फोर से इसको भी करता हूं फ्रीज, और इस पे प्लस मैं देता हूं रो, रो में माइनस यहां पे इलेवन, ताकि यहां पे वन टू थ्री फोर फाइव नीचे की तरफ चलता रहे। देन कॉलन, कॉलन टू है तो टू माइनस टू, तो ए वन टू थ्री फोर फाइव और एक दो तीन चलता रहेगा, और इसको आगे पीछे ऊपर नीचे हम ड्रैग कर देते हैं, तो डेटा आ गया। ठीक है, डेटा आ गया सर। अब इसको यहां से हम ड्रैग करते रहेंगे, सिर्फ ड्रैग करेंगे तो डेटा मेरा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ टोटलिंग चाहिए, जैसे कि टोटल हम यहाँ पे टोटल क्वांटिटी चाहते हैं, टोटल क्वांटिटी चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें इक्वल पी वाई देना है, पी वाई, और यहाँ पे हमने लास्ट फाइनल रिजल्ट क्या आया था हमारा एफ डी था ना, एफ डी यहाँ पे सॉरी टोटल सम Q इक्वल टू हमने यहाँ पे कर दिया एफ डी स्लैश, यहाँ पे हम अपना देते हैं क्वांटिटी डॉट सम बाई रोटिंग क्लोज, मतलब कि बार बार पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आपने एक जगह कोड लगाया वो कोड यहाँ कैरी हो जाएगा, समझे सर। तो पाइथन की यही खासियत है कि जैसे एक्सेल फॉर्मूले में आपको हर जगह फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं ना सर, यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, आपने एक जगह पे कोड लगाया बाकी जगह पे सेम कोड वर्क करेगा। ठीक है, मुझे इसको छोटा करता हूं, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए अमाउंट, इसको मर्ज किया, अब यहाँ पे मुझे अमाउंट का चाहिए, तो जो कोड हमने यहाँ लगाया है ना, ये जो कोड यहाँ लगाया है इसी कोड में यहाँ लगाते हैं इक्वल पी वाई, टैब प्रेस करते हैं, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ क्वांटिटी की जगह क्या कर देंगे अमाउंट। ठीक है ना, सर अमाउंट का ए बड़ा होना चाहिए, छोटा है इसलिए। ठीक है, यस। अब इसमें एक और मुझे एक मैप इसको सेलेक्ट करता हूँ, इस पर एक्सेल एक्सेल ले लिया, तो यही इसलिए पैथन को हम बता रहे हैं कि एक बार पैथन कोडिंग आपने कर दी, थोड़ा सा अभी क्या है कि प्रीव्यू है ना तो थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन आगे चल के भी स्लो नहीं रहेगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें और भी बहुत सारी खासियत है जो कि हम बात करेंगे इस पर, अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं। अब मुझे यहाँ पे मर्ज किया, अब यहाँ पे मुझे चाहिए टोटल सिप, यहाँ पे हेडिंग डालना है तो ये डाल सकते हैं कि टोटल क्वांटिटी सोल्ड, टोटल रेवेन्यू, अब यहाँ पे मुझे देना है टोटल ऑर्डर सिप, सिप यहाँ पे मुझे क्या करना है सम इफ लेना है, क्या करना है सम इफ, ठीक है सर। सम इफ मतलब कि जो वाई है ना सिर्फ वाई को काउंट करे, वाई जो है हो चुका है और मुझे
वाई को ही सम कर, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या करना है, हमें यहां पे इक्वल पीवाई, पीवाई में यहां मुझे क्या करना है, यहां पे ऑर्डर शिफ्ट, तो ओ एस इक्वल टू, हम यहां पे एफ डी फाइनल देता है, एफ डी है ना, एफ डी स्लैश एक बार और एफ डी, जो फिल्टर में लगा है यहां पे फिल्टरे वाला पार्ट यहां यूज करना पड़ेगा, समझे सर? यस। यहां पे कॉलम में देते हैं हम यहां पे शिपिंग स्टेटस, शिपिंग स्टेटस, मैं लिख देता हूं ना, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, छपाच का फर्क पड़ गया, दिक्कत होता है सर। पी इक्वल पी वाई, यहाँ पे फाइनल डेटा, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हमें चाहिए टोटल ऑर्डर शिफ्ट, तो ओ एस इक्वल एफ डी स्लैश एफ डी, और यहाँ पे हमने डाल दिया शिपिंग स्टेटस, डबल इक्वल टू यहाँ पे वाई, ठीक है। और हमने यहाँ पे ब्रैकेट को बंद किया, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते हैं ओएस वो करते हैं, ओ इक्वल टू ओएस ठीक है सर, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, अब यहाँ पे मुझे एक पाई एक, एक एक मुझे चार्ट चाहिए, मुझे अपने जो मेरी जो शिपिंग स्टेटस है उसके हिसाब से टोटल आना चाहिए, यहाँ टोटल ही आना चाहिए, उस पर मुझे लगाना है फिल्टर पिवट टेबल लगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल पी वाई, अब यहाँ पे करते हैं हम df फाइनल डेटा pt पिवट टेबल, पिवट टेबल इक्वल टू क्या करते हैं pd, pd हमारा fd इक्वल pt होगा ना, pt इक्वल टू pd पांडास, पांडा जो ले रखे हैं डॉट पिवट टेबल, पिवट टेबल यहाँ डेटा कौन सा है तो एफ डी है, फाइनल डेटा है, फाइनल डेटा। अब इसमें आता है इंडेक्स, पहला देना होता है इंडेक्स हमको, तो यहाँ पे इंडेक्स इक्वल टू
अब इसमें मुझे अपना कॉलम नेम देना जिसमें इंडेक्स में मुझे चाहिए, ठीक है? तो मुझे इसमें देना है शिफ्ट बाय, शिफ्ट बाय, ठीक है सर? फिर कॉलम टू यहां पे आता है, तो मुझे कॉलम में नहीं रखना है, मुझे वैल्यूज करना है। क्या करना है? वैल्यूज। वैल्यूज के अंदर में मुझे अपनी क्वांटिटी चाहिए। क्या चाहिए? क्वांटिटी, ठीक है? तो वैल्यूज के अंदर में हमने लिख दिया क्वांटिटी। और फिर यहाँ पे आता है हमारा आर्गुमेंट, ये दीजिए आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट में हमने बोला कि मेरा सम, ठीक है? सम काउंट मिनिमम मैक्सिमम दे सकते हैं, लाइक्लीहुड क्लोज कर लिया। अब यहाँ पे हम एंटर मारते हैं, कंट्रोल एंटर। नॉर्मल एंटर नहीं होगा, कंट्रोल एंटर होगा। ये एरर आ गया, ये एरर हुआ। एरर क्या हुआ? अब इसकी फॉर्मूला में आते हैं और नाइमन सिस्टम में आते हैं। सम इज नॉट द वैलिड, सम में हमारा एस छोटा है, बड़ा नहीं, ठीक है? आ गया डेटा फ्रेम। यहाँ पे हम अब एक्सेल डेटा करते हैं, यहाँ पे डेटा आ जाता है। लेकिन इसमें एक ही आया भाई, DTDC। अच्छा, हमने DTDC सिलेक्ट कर रखा है ना, इसलिए। अच्छा, मुझे इस बार क्या है, शिफ्ट बाय नहीं चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट पे चाहता हूँ, ठीक है ना? इसमें चाहता हूँ प्रोडक्ट पे, तो शिफ्ट बाय को यहाँ से हटाता हूँ। प्रोडक्ट बाय तो एक ही आएगा ना, इसलिए शिफ्ट बाय एक ही सिलेक्ट कर रखा हूँ ना, इसलिए प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हम कंट्रोल एंटर मार, डेटा आ गया। बट मुझे डेटा इस तरह से डेटा फॉर्मेट में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पाई चार्ट, ठीक है? टेक्स्ट में चाहिए पाई चार्ट। तो पाई चार्ट में चाहिए तो मुझे सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर में इंपोर्ट करना पड़ेगा नहीं, ऐसे भी हम लगा सकते, काइंड में लगा सकते हैं। मैं तो लीव नहीं लेना चाहता, तो ये हमारा पीटी पे आ गया। अब यहाँ पे करते हैं हमारा पीटी डॉट सेट इंडेक्स, तो डॉट और वैल्यूज में हमारा क्या है, क्वांटिटी। डॉट प्लॉट, प्लॉट में हमने कर दिया टाइम इक्वल टू पाई, पाई।
ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट होती है कहाँ? कुछ गड़बड़ है क्या? फिर दो बार लगा हुआ है। नेम प्रोडक्ट आर नॉट इन द कॉलम। ठीक है सर, यस सर। इसमें और भी अच्छा से किया जा सकता है, परसेंटेज संडे तो आ गया। अब पढ़ाऊंगा चार्ट, पढ़ाऊंगा शुरू करूंगा तो आएगा, उसमें समझ में आएगा। ठीक है, यस। अब यहाँ पे इक्वल पी वाई पाई, और यहाँ पे हम करते हैं पी टी डॉट प्लॉट, यहाँ पे सॉरी डी इक्वल टू पी टी डॉट प्लॉट, और इसमें भी हम देते हैं बार बार टाइम इक्वल टू बार होगा ना। और यहाँ पे एक्सेल ठीक है। ऐसे आप देखते तो, अगर मान लीजिए कि अगर इसी चीज को अगर मुझे एक्सेल पे लगाना होता तो कितना जगह पे डेटा लेना पड़ता है? क्या यस तो है ना, अभी मुझे कितना भी चार्ट बनाना है तो आसानी से बना सकते हैं क्या? आगे चल के इसको और सिंपलाइज करना, वैल्यू जो ऊपर वाली जो वैल्यू उसके ऊपर से मतलब
सिलेक्शन के यहाँ से चेंज हो जाएंगे। जी बिल्कुल, तो यहाँ एवरेज करते हैं, डिलीट हो गया क्या? एक मिनट एक मिनट, डेटा तो है कहाँ चला जाता है। आ जाएगा आ जाएगा। इट इज नॉट डिफाइंड, कुछ मूव हुआ है। उसे भी याद है जैसे ऐसा था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए अमेजोन को सिलेक्ट करते हैं तो कुछ ही देर में पूरा अमेजोन के अकॉर्डिंग सारा हो जाएगा। डीटीडीसी सिलेक्ट किया तो डीटीडीसी अकॉर्डिंग। ओके, तो वहाँ पे अगर हम टोटल क्वांटिटी और रेवेन्यू पे, यहाँ पे अगर उस शिप बाय से अगर हम कंपेयर करें तो ये वैल्यू भी इसके हिसाब से चेंज हो जाएगी। जी ठीक है, यस सॉरी। इन्होंने 83 हो गया। हाँ अमेजॉन सेलेक्ट करता हूँ, अमेजॉन का एक सम करके देखते हैं रिकॉर्ड क्या है। एक मिनट, 93937450 क्वांटिटी एफडी। हो जाएगा सर, सेव नहीं है ना, सेव होने के बाद डेटा वर्क करेगा। ठीक है ना, ओके चलिए। रियल टाइम अपडेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट डेटा यहाँ डैशबोर्ड बनाने में बड़ा आसान होता है सर। यस बस कोडिंग थोड़ी सी लिखनी है, बाद बाकी अपने आप हो जाता है। फिर मैं आपको फाइल भेज देता हूँ आज की रिकॉर्डिंग।